मैं आपके सामने ऋतिक अग्रवाल, SBPG बैंक के सामने। यहाँ बहुत लोग प्यासे बैठे हैं और इसी साथ अपन चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय मोदी जी के लिए। क्या लगता है आपको, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा। सभी परेशान हो रहे हैं यहाँ। कैसे परेशान हो रहे हैं आप, कितने दिन से आ रहे हो? दो दिन से। कैसे निकला है? कैसे निकला रहे? ATM जा रहे हो? क्या वहाँ तो भीड़ लग रही थी, जो कुछ भी नहीं है, और बेकार तो नहीं है, पर इसके वैसा तो होना चाहिए ना। आदमी 3 दिन से खड़ा रहेगा, 2-3 दिन तो नहीं है काम देगा। हाँ हाँ, ये खड़ा मेरे बच्चा खड़ा अभी जियो से। जियो सिम सिम मोबाइल सिम डाल लीजिए ना। जियो सिम नहीं ली ना। कितने पैसे जमा कराने हैं? मेरे को कराने हैं उसमें 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये जमा कराने हैं। क्या काम करते हैं? खेती करता हूँ। क्या नाम है? रूपचंद नागरी मेरा नाम। मोदी जी की राय बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थाएं सही नहीं है। आज मुझे 3 दिन हो गए, मेरे पास 500 रुपये का नोट भी नहीं है कि मैं ट्रांजेक्शन कर सकूं। यहाँ पर सबसे बड़ी असुविधा क्या है कि जो ये पुलिसमैन है ना, ये आप देखिए 3 लाइन है, लेडीज की है, सीनियर सिटीजन की है और प्लस सीनियर ये लेडीज है। अब ये लाइन आप देख रहे हैं, इनसे 4 टाइम्स मोर है। हमें ये एंट्री नहीं दे रहा। मुझे 3 दिन हो गए, मैं 4 बजे होते ही ये बिल्कुल काउंटर को बंद कर देता हूँ उस जगह से। मैं वापस 3 दिन हो गए मुझे रिटर्न होते हैं। बहुत बढ़िया है मोदी जी का जो है, जो उन्होंने किया, बहुत खुश हैं हम लोग और उनके साथ में हैं। लेकिन थोड़ा सा ये व्यवस्था फैसिलिटीज बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल, फैसिलिटी बहुत कम है। काउंटर और भी बढ़ने चाहिए, जो इनके ड्यूटी हावर से थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहिए। 4 बजे जो व्यक्ति बाहर है लाइन के, उसको वहीं पर रोक देते हैं, अंदर एंट्री नहीं देते हैं। 7 बजे के आए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। जब से परेशानी हो रही है, बच्ची को 2-3 दिन बाद दूध पिलाने के लिए घर पे छोड़ दिया, अभी तक हमारा नंबर नहीं आ रहा। अभी तक नहीं आ रहा है, छोटी बच्ची हो रही है, मोदी जी के बारे में। मोदी जी ने व्यवस्था तो अच्छी करी, लेकिन कुछ उन्होंने नॉट तो चेंज करे, काले धन करिए, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करेगी जिससे ना जनता को परेशान ना हो। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था कर दें, पानी करें, लेकिन सुबह से लगे ऐसे के अलग से काउंटर होने चाहिए, अलग से काउंटर होने चाहिए। परेशानी आती है, लेकिन आगे जाके सुविधा भी तो बनेगी ना। आपको समय दे रखा है, 50 दिन का समय पूरा है। जी जी, अभी तो पब्लिक है, थोड़ा सा काला धन के चक्कर में कहीं एक दूसरे को लगाए जा रहे हैं। नहीं, बहुत सी बातें आ रही है कि मोदी जी को बहुत गालियां मिल रही हैं लोगों की तरफ से। पब्लिक है तो कुछ भी कह सकते हैं, तो कहने का क्या लगता है, क्या सोल्यूशन होगा 50 दिन में? क्या अभी तो 6 दिन में, 50 दिन में क्या होगा? 6 दिन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। क्या लगता है कि बहुत इतनी सारी मतलब पब्लिक बोल रही है आज धीरे धीरे करके, आज पेट्रोल का दाम ही कम हो, हर चीज़ों का दाम कम हो, और आगे जाके भविष्य में आदमी को ऐसा लगेगा इंडियन अपना आज अमेरिका बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ ऐसे ही बहुत लोगों से पूछा, लेकिन कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, ब्लैक मनी हटा रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है पानी की, खाने पीने की, और बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे से और 5 बजे तक यहाँ खड़े रहते हैं लोग।